नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। करनाल यमुना के पानी ने बरपाया कहर, कहीं किसानों की फसल खराब तो कहीं घर की छत की दीवार गिरी। अपनी जान बचाने के लिए लोग अपनी अपनी छतों पर चढ़ गए। करनाल यमुना के साथ लगते दर्जन से ज्यादा गाँव में आई बाढ़ ने हर तरफ तबाही मचाई। लोग परेशान हैं क्योंकि उनकी कई एकड़ की फसल पानी की भेंट चढ़ गई। घरों में पड़ा सारा सामान भीग गया, अनाज सिलेंडर सब आटा सब कुछ गीला हो गया। हालांकि हालात सामान्य हो रहे हैं, गांव से पानी निकल चुका है, सड़कें खुल चुकी हैं, लेकिन खेतों में पानी ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। लोगों का कहना है कि दो दिन से जो मंजर हमने देखा है वो हमें ही मालूम है। किसी का गांव में घर के कमरे की छत की दीवार गिर गई तो किसी का सारा अनाज गीला हो गया। लोगों के घरों में 3 फुट से ज्यादा पानी था, जिस कारण उन्हें बचने के लिए अपने बच्चों के साथ छतों पर सोना पड़ा। हालात ऐसे थे कि पानी व खाने का सामान इन तक नहीं पहुंचा, क्योंकि 5 फुट से ज्यादा पानी सड़कों पर था और लोगों के घरों में 3 फुट से ज्यादा पानी था। हालांकि जिले के दर्जन भर गांवों का हालात अब सामान्य है। हथनी कुंड से छोड़े गए पानी का लेवल अब दिल्ली की तरफ रुक कर चुका है, लेकिन ग्रामीणों के लिए इस पानी ने काफी मुसीबतें पैदा की है। लोग अपने घरों से पानी कीचड़ साफ करने में लगे हुए हैं ताकि कोई बीमार ना हो सके। बता दें कि करनाल के इंद्री कस्बे के दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में थे। हर तरफ यमुना के पानी ने तबाही मचाई हुई थी। कहीं 3 से 5 फुट पानी था तो कहीं 5 से 10 फुट पानी खड़ा हुआ था, जिस कारण लोग गाँव में के बाहर नहीं जा पा रहे थे। पीने का पानी नहीं था, जिस कारण से मोटर बोट के माध्यम से उन तक सुविधाएं पहुंचाई गई। किसी को सुविधा मिली तो किसी को नहीं मिली, लेकिन 2 दिन के बाद आज करनाल के इन दर्जन से ज्यादा गांवों से पानी निकल चुका है। कुछ जगह ऐसी जगह है जो 2 से 3 फुट पानी अभी भी खड़ा हुआ है और हालात वहीं के वहीं हैं। के मंजर नमना में देखो जी, पानी तो बहुत ज्यादा, जो बार खेत फसल भी खराब हो गई है, घर तूड़ी भी खराब हो गई, कई दाने भिज गए हैं, तो नुकसान तो बहुत ज्यादा आया। तो सर कितना कितना पानी था, कैसे ये पानी आया यहाँ? पानी इतने 4-5 फुट इतने पानी सी, अपने पानी अचानक एकदम पानी आया, लोगों ने संभलने मौका नहीं, दाने कहीं बेच ही रह गए, तो तूड़ी भिज गई, डंगर भी भुखे ने, मतलब कोई हरा चारा नहीं है, वो भी खराब हो गया। तो कल 2 टैंकर पानी दे आए, होर तो कोई मदद आई नहीं है अभी तक। हूँ पानी निकल गया सर? हूँ पानी निकल गया, लेकिन परेशानी है कि कीचड़। हाँ परेशानी, कीचड़ अभी अंदर घर जो कीचड़ है, बाहर कीचड़ है, कीचड़ जाता है। जी, तो कोठा कट्ठा भी डिग गया, कोठे त्रेड़ा तो आ गया, कोठिया में भी त्रेड़ जी आ गई, डिगा था नहीं, काफी परेशानी हो रही है। हाँ काफी परेशानी हो रही है। क्या नाम है आपका? कुलवीर सिंह। मेरा नाम बिमला है। बिमला जी, क्या परेशानी क्या हुई आपको? परेशानी तो सारी है जी, पानी आ गया, सारी चीज की तंगी, घरों में पानी बढ़ गया, नुकसान हो गया दुकानों में भी। तो अब क्या हालात है? अब ठीक है, पानी निकल गया, पानी कम, यानी बहुत परेशानी। तो फसलों में कितना नुकसान है जी? फसलों में तो सारे नुकसान है, फसलों में तो कुछ नहीं। 2 दिन में आपने मतलब क्या देखा, क्योंकि ये हर साल आप देखते हो हालात कैसे? हर साल से ज्यादा पानी है, हर साल से बहुत ज्यादा पानी। तो सरकार की तरफ से आपको कोई सहायता? अभी तो कोई सुविधा नहीं मिली। आज तक कभी मिली है सहायता? अब तक तो मिली नहीं, हमने तो कभी नहीं मिली। क्या चाहते हो आप? हम तो वहाँ कुछ नहीं, कुछ तो मिला, दुकान खराब हो गई, मत कोई कुछ तो वो सुविधा कुछ भी नहीं आया। नहीं आया, असी जपती छपरा डेरे दे रहन वाले हैं, सानू ना कोई पानी की सुविधा, ना लैटरिंग फिरन की सुविधा, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं गई। इतने जिन्हें भी बंदे सब छाती छाती पानी, माल डंगर वास्ते कोई तूड़ी नहीं, कुछ नहीं, असी बहुत ही इतने डेरे च दुखी हाँ, जिमें कमाद डुब गए ने, यमुना च पानी इन्ना आया कि इतने कुछ नहीं बचिया। तो कितनी गल गल किवें जान किवें बचाई, किवें कितने जी कोठियां उत्ते चढ़ के पौड़ी लगी, कोठियां चढ़ के जान बचाईए, तो माल डंगर वास्ते तूड़ी नहीं रही, खाण वास्ते अनाज नहीं रहा, प्रशासन वालों कोई सानू मदद नहीं मिली, प्रशासन पानी भी नहीं लै गया। बहुत बुरा हाल होया जी, महाराज यहाँ गोडे गोडे पानी था जी, अंदर अनाज सारा बर्बाद हो गया, 10-15 कट्टे सीमेंट था जी वो भी खराब हो गया, बूस था 3-4 डाले वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया जी, डंगर परेशान हो रहे हैं इस टाइम, अपने आप भी परेशान है जी, कुछ खाने के लिए कोई नहीं आया यहाँ, हमारा किसी ने पता नहीं लिया है जी। जितना भी मान लो ऊपर वहाँ पटड़ी पे होके अफसर जितने भी आते हैं वापसी चले जाते हैं, हमारा कोई पता नहीं ले रहे हैं। सर 2 दिन से आपने क्या हालात देखे, कैसे आप जीवन? बहुत बुरे हालात थे जी, यहाँ बैठ के रात काटी है, बच्चे उधर पड़ोसियों के मकानों पे बैठाए हैं जी, छोटे छोटे बच्चे। आप छतों पर थे? हाँ जी, हम छतों पे पड़े हैं, अब भी हमारा सामान ऊपर रखा है जी छतों पे। तो कितना पानी था आपके यहाँ जी? इतना इतना था जी, गोटे गोटे
हमारे अंदर ये दो से तीन फुट पानी। हाँ जी, हमारा नाज अंदर जो टंकियां हैं इसमें पानी बढ़ गया, पूरा हाल हो गया जी। तो छत कुछ गिरा भी आपके? हाँ जी, एक मकान था ये, इधर इसमें सामान भी दब गया जी, खाने पीने का जो रखा। क्या रसोई थी ये? है जी। क्या बनाया वो था ये? वैसे तो मकान ही था जी। तो प्रशासन का आदमी कोई अंदर नहीं आया जी? कोई नहीं आया प्रशासन का बंदा, हमारे पास कोई नहीं आया। अब कल आए थे, पता नहीं पटवारी थे कौन थे, वो भी ट्रैलियों पे निकल गए। जब पानी उतर गया बाद में तो दुनिया आती है जी। जब उधर अगन बोट फिरते रहे हैं नगली साइड में, इधर रात को हेलीकॉप्टर आया था, वो पता नहीं कहाँ थे, बंदे उठा के ले गया। उसको पता लग गया था भी इस एरिया में पानी है, तो सुबह तो हमारे पे आ सकते थे। रात को चलो नहीं आए, जब यहाँ 11 बजे पानी हमारे यहाँ फुल हो गया था जी, है जी। तो उसके बाद हमारा किसी प्रशासन ने नहीं पता लिया, किसी डॉक्टर ने नहीं लिया, बच्चे बीमार हैं, है जी, एक खतरा है जी यहाँ। तो अभी खाने का है जो अपने पास है जी बाबू जी, वही खाएंगे, दो दिन का चार दिन का जो राशन है वो तो खाना है। क्या नाम आपका? नंद सिंह है जी। यमुना ने फिर एक बार रोद रूप दिखाया और काफी परेशानी लोगों को यहाँ हुई है। इस यमुना में बाढ़ आने से हमारे हल्के के दर्जनों गांव में हजारों एकड़ फसलों का नुकसान हुआ है, चाहे उसमें घास है, चाहे उसमें जीरे की फसल है, सब्जी है, गन्ने की फसलें हैं। जहाँ फसलों का नुकसान हुआ है वहाँ पर आप देख रहे हैं कि जहाँ कच्चे मकान या थोड़े कमज़ोर मकान थे वहाँ पर सारे गिरे हुए हैं। काफ़ी जनजीवन बड़ा ही अस्त व्यस्त हुआ है यहाँ आकर देखने से सबको पता चलता है। तो सर मतलब कि बहुत परेशानी है, कई लोगों तक सुविधा नहीं पहुँच पाई, क्योंकि हालांकि ऐसे मौके पर कई लोगों तक सुविधा नहीं पहुँच पाती। यहाँ पर लोगों ने काफ़ी शिकायत की है कि प्रशासन की तरफ से कोई भी यहाँ सुविधा नहीं मिली है। हम भी पूरा प्रयास करेंगे, आपके माध्यम से भी हम ये सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि आप इन लोगों का सहायता करें, चाहे वो फसल की बात है, चाहे वो लोगों के खाने की सुविधा की बात है, दवा दवाई की बात है, हर सुविधा का इनसे सुविधा मिलनी चाहिए यहाँ पर। ये भी हम आपके माध्यम से निवेदन करते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि आज हम देख रहे हैं यहाँ पर, जितनी भी यहाँ पर बात सामने आएगी हम प्रशासन से खुद भी मिलकर इस बारे में बात उठाएंगे। क्या कहना चाहोगे बाढ़ ग्रस्त? सर हम ये कहते हैं कि जैसे बाढ़ आई है, पहले तो कुछ बरसातों ने हमारी फसलें ख़राब कर दी थी, रही कई कसर जो है बाढ़ ने पूरी कर दी। उससे पहले सरकार की तरफ से हमें बीमा पॉलिसी दी गई थी कि फसलों का बीमा होता है। तो हमारे सभी किसान भाइयों के कोई एक दो को छोड़ के सभी के 629 के हिसाब से पर एकड़ के हिसाब से पैसा काटा गया खातों से। और जब फसलें हमारी ख़राब हो चुकी हैं तब हमने बीमा कंपनी वाले से बात की तो उन्होंने कहा कि जीरी का आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, जबकि सरकार की तरफ से पर एकड़ 29,000 रुपये बीमा पास किया जाता है। और उन्होंने हमारे को पीछे कुछ किसानों का बीमा आया है कि 1,000, 2,000, 1,200 रुपये कुछ का दिया गया है। लेकिन सरकार की तो कहते हैं कि बीमा मिलेगा, लेकिन जो बीमा अधिकारी हैं वो बोलते हैं कि आपको कोई बीमा नहीं मिलेगा। जब बीमा नहीं है। हमने कल अंकुश राणा जी है करनाल में SBI से हैं, उनसे बात की तो उन्होंने साफ बोला कि आपको कोई बीमा नहीं मिलेगा, आपने जो करना है कर लो। जब मेरा 7 एकड़ का बीमा है, इन भाई साहब का 6 का है, किसी का 4 एकड़ का है, किसी का 3 एकड़ का है, इस तरह सभी का फसली बीमा हुआ है। हमारे खाते से पैसे कटे हैं, हमारे पास की स्टेटमेंट भी है। और जब बात कर रहे हैं कि बीमा दे, हमारे को चेक करो गुरदौरी देखो आगे इसकी क्या हुआ क्या नहीं, कहते हैं कि जीरी का कोई बीमा नहीं है। तो इसकी शिकायत दी है आपने? सर मैं इसके बारे में मंत्री जी आएंगे आज, उनको लिखित में देंगे इस बारे में शिकायत। नहीं, एक लिखित शिकायत देंगे। एक हमने CMO को भेजी है शिकायत, उस पर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई फॉर्म नहीं है जीरी का उसका। अब कहते हैं कि जीरी का आपको कोई बीमा नहीं मिलेगा, जबकि हमारा बीमा जीरी लगाने से पहले हुआ था। तो कोई क्या नाम है इसका योजना का? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।